तो मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों आज जो बताने जा रहा हूँ जो पांच दमदार शेयर जिन्होंने अपनी लिस्टिंग के बाद हाल ही में इनकी लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद काफी जबरदस्त रिटर्न दिए हैं इन शेयरों ने। तो चलिए इनके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर पांच स्टॉक हैं जो कि रिसेंटली लास्ट 2 साल के अंदर अंदर ही जिन्होंने अपनी लिस्टिंग की है और एक मल्टीबैगर साबित हुए हैं वो। और इन्होंने काफी ज्यादा रिस्की प्रोफाइल सेंटिमेंट चल रहा है अभी डी स्ट्रीट में यानी कि शेयर मार्केट में, पर फिर भी इन्होंने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए हैं इन पांच स्टॉक्स ने। और ये स्टॉक अभी भी अगर आज भी इनकी आज की डेट में भी देखें इतने जो मार्केट क्रैश हो चुका है इसके बाद भी देखें तो लगभग 100% से ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक्स दे रहे हैं। तो चलिए इनके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये स्टॉक आगे चलकर भी इतने आउट परफॉर्म कर पाएंगे, इतनी ज्यादा जो उठा पटक मची हुई है इक्विटी मार्केट में। तो इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा कि क्यों ये स्टॉक्स इतने ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं लिस्टिंग के बाद और इतने बेयरिश मार्केट में भी काफी अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं पहला शेयर आपको बताने जा रहा हूँ तो यहाँ पर दो शेयर है, फाइन ऑर्गेनिक एंड इंडिया मार्ट। जी हाँ, ये दो शेयर हैं और ये दोनों ही शेयर या तो ऐसे सेक्टर को बिलोंग करते हैं जो कि एसेंशियल कॉमोडिटीज से बिलोंग करते हैं या फिर इनके पास एक ऑनलाइन प्रेजेंस है जैसे कि इंडिया मार्ट जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डोर टू डोर जो है आपको गुड्स प्रोवाइड करवाता है। तो फाइन ऑर्गेनिक के बारे में आपको और बता दूं तो यहाँ पर ये जो है एडिटिव्स फॉर प्लास्टिक्स, एडिटिव्स फॉर रबर, एडिटिव्स फॉर कॉस्मेटिक एंड फार्मा, एडिटिव्स फॉर फूड, और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। जैसे कि एडिटिव्स ऑफ फूड में ये जर्म्स जो जर्म्स के एजेंट्स हैं वो बनाते हैं और काफी ज्यादा जो है जो एडिटिव्स बनाते हैं और लगभग हर सेक्टर के लिए ये स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं एडिटिव्स के रूप में। तो काफी ज्यादा इसका जैसे कि अभी भारत का ही चल रहा है, भारत आत्मनिर्भर बनने के जो मोदी जी का नारा है तो उससे इस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है आगे चलकर। और इंडिया मार्ट आप जानते ही हैं कि ये एक इंडियन ई कॉमर्स की बिजनेस है जो कि B2C, B2B और कस्टमर टू कस्टमर सेल्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने वेब पोर्टल के जरिए। अब अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि जो इसका लिस्टिंग के बाद की आपको आंकड़े बताऊं तो यहाँ पर इंडिया मार्ट जिसकी मार्केट कैपिटल लगभग 65 बिलियन है, इसका ऑफर प्राइस था 973 रुपए और करंट मार्केट प्राइस है 2299 रुपीज। तो यहाँ रिटर्न देख सकते हैं आज की डेट में भी ये 132% का रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है। इसके बाद फाइन ऑर्गेनिक आप देखेंगे, इसकी मार्केट कैपिटल है 62 बिलियन की और ऑफर प्राइस था 783 रुपए का और करंट मार्केट प्राइस है 1951 रुपए का। तो ये भी लगभग 156% का रिटर्न दे रहा है। तो ये दोनों ही शेयर पोर्टफोलियो में रखने लायक हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें या खुद अच्छे से एनालाइज करें। उसके बाद फाइन ऑर्गेनिक जो है वो एक एग्रेसिव ट्रेड इन्वेस्टर है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि चाइना से बहुत से लोग जो है चाइना से सप्लाई बंद करवा रहे हैं तो हो सकता है कि इस इंडियन प्लेयर को आगे जाके बहुत ज्यादा पूरी दुनिया से ऑर्डर मिलने चालू हो जाए। उसके बाद करते हैं IRCTC, ये तो वेल नोन कंपनी है जिसके बारे में सभी जानते हैं और इस कंपनी का तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी मोनोपोली है अपने सेक्टर में और इनका जो बिजनेस मॉडल है उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो इस कंपनी के बारे में तो आपको पता ही है कि इसने क्या जबरदस्त लिस्टिंग के दौरान लिस्टिंग गेन दिए थे और अगर लिस्टिंग से अभी तक का परफॉर्मेंस इसका मैं बताऊं तो IRCTC का जो मार्केट कैप है वो 212 बिलियन का है और ऑफर प्राइस था मात्र 320 रुपीज का और अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 1330 रुपए का करंट प्राइस है और 314% का रिटर्न ये आज भी दे रहा है ये स्टॉक। हालांकि इसने काफी बड़ा हाई बनाया था मगर मैं आज के प्राइस की बात कर रहा हूँ तो वो भी 1330 रुपए है। इसके बाद HDFC AMC, ये भी वेल नोन ब्रांड है और यहाँ पे इसकी बुक में थोड़ा सा पेन हो सकता है जैसे कि अभी काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड इफेक्टेड हुए हैं मार्केट जिस तरह से गिरा है, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी इस पेंडेमिक के जाने के बाद यानी कि जो कोरोना का बीमारी है उसके
उसके ठीक होने के या फिर उसके कमजोर होने के बाद ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसका जो एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो एसेट का साइज है वो काफी बड़ा है। तो ये एक अपने आप में ब्रांड है, और इसका भी जो आईपीओ आया था तो इसकी जो करंट मार्केट कैप है वो 539 बिलियन की है। देखिए बहुत बड़ी मार्केट कैप है, और 1100 का इसका लिस्टिंग प्राइस था ऑफर प्राइस, और कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 2519 रुपये चल रहा है। तो इसने भी लगभग 130% का रिटर्न अभी ये कंपनी दे रही है ये शेयर। और HDFC AMC एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इसके जरिए लगभग लगभग आप एज ए म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं, और इसका जो असेट है ये अपने असेट क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी भी आपके पोर्टफोलियो में रखने लायक है। इसके बाद नियोजिन केमिकल, जी हाँ, ये थोड़ा सा जो है स्पेशलिटी प्रोडक्ट बनाने की कंपनी है, और इस कंपनी का जो आपको मैं बता दूं कि ये कंपनी 27 साल पुरानी है, और ये ब्रोमीन बेस्ड कंपाउंड्स बनाने के काम करती है, और इनऑर्गेनिक लिथियम साल्ट्स ये कंपनी बनाती है। और इस कंपनी के फाउंडर थे मिस्टर HT कनानी, जिन्होंने मुंबई IIT से इंजीनियरिंग की हुई है। इस कंपनी का भी जो आईपीओ आया था तो उसकी डिटेल बता दूं कि ये नियोजन केमिकल कंपनी का 11 बिलियन का जो है मार्केट कैप है, ऑफर प्राइस मात्र 215 रुपये था, करंट प्राइस 460 रुपये है, और रिटर्न अभी ये दे रहा है 121% का रिटर्न अभी भी ये कंपनी दे रही है। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, और इसकी दो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं। एक है नवी मुंबई में, जो कि मुंबई एयरपोर्ट से लगभग लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरी है करखाड़ी में, जो कि 90 मिनट की दूरी पे है वडोदरा एयरपोर्ट से। तो ये थी दोस्तों 5 कंपनियां जो कि बहुत धमाकेदार रिजल्ट दे, और आगे भी जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए अगर इस तरह कदम अग्रसर होते हैं तो इन 5 कंपनियों को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है।